हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन करियर। सो आज हम यूनियन ऑफ टू एरेज देखने वाले हैं। सो इसके पहले हमने इंटरसेक्शन देखा, आज यूनियन देखेंगे और मर्ज देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है ये पहले समझना चाहिए। इंटरसेक्शन का सीधा मतलब है जो भी कॉमन एलिमेंट है हम वही लेंगे। ठीक है, और वो कॉमन एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट है वही लेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट ही लेंगे। जैसे 5 यहाँ पे भी है, 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 तो हम 2 बार 5 को नहीं लेंगे, एक ही बार 5 लेंगे। ठीक है, यूनियन में भी हम जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो सब लेंगे। ठीक है, जैसे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम यूनियन में 5 लेंगे पर एक ही बार लेंगे। ठीक है, और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 है, 5 ले लेंगे, 8 भी ले लेंगे, 5 ले लिया हमने, 7 ले लेंगे, 8 भी ले लिया, 10 ले लेंगे, 2 ले लिया, 15 ले लिया, 1 भी ले लेंगे, 5 है, 8 है, 5 है, 1 है, 8 है, 7 है, 13 ले लेंगे। सो आई थिंक आपको समझ गया होगा ये यूनियन क्या एग्जैक्टली। यूनियन में हम सब एलिमेंट ले लेंगे लेकिन हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो नहीं लेंगे। तो वो रिपीट कहाँ पे भी हो, यहाँ पे वो रिपीट है, यहाँ पे वो रिपीट, हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम एक ही बार लेंगे, सब एलिमेंट लेंगे। यूनियन में सब लेंगे लेकिन एक ही बार लेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेंगे, एक ही बार लेंगे। मर्ज में हम सब एलिमेंट लेंगे। समझ रहे हो, हमें ये जो मर्ज का क्वेश्चन रहेगा ये डिफरेंट फेस रहेगा। यानी हमें क्या रहेगा कि हमारे पास दो एरे है और हमें मर्ज करना है दोनों एरे को टू मेक इट अ सॉर्टेड एरे। हमारे पास दो एरे है और हमें इसे मर्ज करना है और इसे सॉर्टेड बनाना है। सो ये क्वेश्चन हम मर्ज में देखेंगे, जब भी ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनियन ऑफ टू एरेज देखने वाले हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का समझ गया, जो भी कॉमन एलिमेंट है एक बार लेंगे, यूनियन में सब एलिमेंट लेंगे एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत दिख लिया हमने, सिंपल सी बात है, हम लास्ट अकरेंस एलिमेंट है वहाँ से कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो सब एलिमेंट लेना ही है। यानी एरे वन के भी जितने एलिमेंट है लेना ही है, एरे टू के भी उतने एलिमेंट लेना ही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हम एरे वन के एलिमेंट है, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हम वो ले लेंगे। पहले एक एरे लिस्ट वगैरह कुछ डिफाइन कर देंगे और जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एरे वन के हम पूरे ले लेंगे। और फिर एरे टू में क्या देखेंगे कि इफ़, सबसे पहले तो कंडीशन फॉर लूप लगा के देखेंगे कि इफ़ ये जो एरे टू ऑफ आई है, अगर एरे लिस्ट कंटेन करता है तो ऐड मत करो, न तो ऐड कर दो। और वो भी कैसे ऐड करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में। यानी सबसे पहले हम वन को देखेंगे, वन इतने एरिया में है क्या, हाँ है, तो हम इसको देखेंगे, इस पर कुछ वर्क करेंगे ही नहीं। यहाँ पे 5 पे देखेंगे, इतने एरिया पे क्या 5 वर्क करेंगे नहीं। 8 देखेंगे, है वर्क करेंगे नहीं। 1 को देखेंगे, इतने एरिया में 1 नहीं है, ये 13 है। ठीक है, 1 8 7 13, ठीक है, वो इतना इतने एरिया में 1 है ही नहीं, तो हम यहाँ पे वर्क परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे वर्क क्या करेंगे कि एरे लिस्ट में 1 है कि नहीं है। एरे लिस्ट में अगर 1 नहीं रहा तो हम 1 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। सो हम सेम कोड को रिपीट कर रहे हैं बार बार। सो आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो एर वन के जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे निकालना है हर वीडियो में चालू है। और एर टू का जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उस पर हम चेक करेंगे कि एरे लिस्ट में वो एलिमेंट है कि नहीं है। अगर एरे लिस्ट में वो एलिमेंट है तो हम ऐड नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो हम ऐड कर देंगे। तो इसका कोड सिंपल सा होने वाला है, हम फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, इसकी लेंथ एन है, इसकी लेंथ एम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग वही इंट फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर देंगे एंड यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, जो भी फर्स्ट एरे का हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो निकाल रहे हैं। इफ एर ऑफ आई इक्वल्स टू एर ऑफ जे है तो सीधा हमें ब्रेक करना है। फ्लैग को हम पहले 0 बना देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1 है क्या। हमने यहाँ पे 1 लिया है और यहाँ पे 0 कर देंगे, तो हम इसलिए 1 चेक करेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 1 है क्या, तो हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे, हमारा फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, सो फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे जो भी हमारा नाम है एरे लिस्ट का, एल डॉट एड एर ऑफ आई। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, ये हमारा हो गया पहला काम। दूसरा काम सेम रहेगा उस पर,
सेम कोड इधर कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, या जो भी एलिमेंट जो भी लेना है तुम्हें, के ले लीजिए वेरिएबल, के इज इक्वल टू 0, के लेस देन एम, के प्लस प्लस, इंट फ्लैग इज इक्वल टू 1, फॉर इंट एक वेरिएबल ए ले लीजिए इज इक्वल टू के प्लस 1, के लेस देन एम, के प्लस प्लस, ऐसे करेंगे, चेक करेंगे कि ये है क्या इक्वल। अगर इक्वल है तो फ्लैग को 0 बना देंगे, ब्रेक कर देंगे, और चेक करेंगे कि फ्लैग इक्वल टू 1 है क्या। अगर फ्लैग इक्वल टू 1 आ गया, यानी वो डिस्टिंग एलिमेंट आ गया, और हम चेक करेंगे कि इफ़ ए एल डॉट कंटेंस ए टू ऑफ जे, अगर वो ए एल कंटेन कर रहा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, न तो एल्स हम ऐड कर देंगे, या कुछ नहीं करने से अच्छा इफ नॉट यहाँ पे लगा देंगे। इफ नॉट ऑफ ए एल डॉट कंटेंस ए टू ऑफ जे, सो ए एल डॉट एड ए टू ऑफ जे। सो आई थिंक आपको समझ गया होगा, ये कोड मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो ईजी है कोड, आपको बस प्रैक्टिस करना है, हर एक वीडियो में सेम ही चालू है। सो ये हमारा एकदम सिंपल कोड था, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ओ ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अभी हम इसका सेकंड अप्रोच देखेंगे, क्या रहेगा सेकंड अप्रोच, सॉर्टिंग। सो हमारी सेकंड अप्रोच रहेंगे सॉर्टिंग से। तो हम क्या करेंगे, जो एर वन है उसको सॉर्ट कर देंगे, एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ एर आर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगे एन लॉग एन। एर टू को भी सॉर्ट कर देंगे, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी एम लॉग एन, जो भी है, ठीक है। सो एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ एर, ये भी कर लेंगे हमारा। अब हमारे दोनों एरे सॉर्टेड हो गए, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल 1 1 5 5 8 8, ऐसा कुछ तो भी एरे रहेगा, 5 5 7 8, सिंपल समझने के रैंडम एरे ले लिए, ठीक है। तो ये अभी हमारे दो एरे आ गए, सॉर्टेड है दोनों। तो हम अब इसको एक एक तीसरा एरे बना देंगे, एक तीसरा एरे लेंगे जिसमें ये दोनों को मिला के एक सॉर्टेड एरे बना देंगे, समझ रहे हो, ये दोनों को मिला के एक सॉर्टेड एरे बना देंगे, ठीक है। ये हमने मर्ज सॉर्ट में देखा है कि हम हमारे पास दो एरे है, तो हम तीसरा एरे बना के जो भी एलिमेंट है कैसा इसको सॉर्टेड बना सकते हैं, यानी ये एक सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। फॉर एग्जांपल 1 2 7 इसमें है, ठीक है, 4 8 9 इसमें है, हमारे पास दो सॉर्टेड एरे है और उससे हमें एक बड़ा सॉर्टेड एरे बनाना है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम एक आई यहाँ पे ले लेंगे, एक जे यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 1 और 4 में देखेंगे छोटा कौन है, 1, तो हम इसका आई यहाँ पे बढ़ा देंगे। फिर 2 और 4 में देखेंगे 2, ये आई बढ़ा देंगे। फिर 4 है, ठीक है, ये जे यहाँ पे बढ़ा देंगे। फिर 7 8 7 देखेंगे, ये ख़त्म होने के बाद तो ये पूरे जितने एलिमेंट है वैसे डाल देंगे। तो ये हम मर्ज सॉर्ट में देख लिया एक्चुअली में। और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मर्ज ऑफ टू एरेज टू मेक इट अ सॉर्टेड एरे, मर्ज ऑफ टू सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से देखने वाले हैं कि हम मर्ज ऑफ टू एरेज कैसा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारे पास दो एरे थे, हमने जिसको सॉर्ट कर दिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ गई, ठीक है। तो एक बार वो दोनों एरे सॉर्टेड हो गए, तो अब अभी हम एर थ्री में ये पूरा एलिमेंट है इसको पूरा सॉर्टेड बना देंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी ओ ऑफ एन, ठीक है, ये मतलब इतना है पूरे इधर के इधर एलिमेंट लाने के लिए इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये हम देखेंगे कि कैसा करेंगे, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी ओ ऑफ एन। तो एक बार ये आ गए तो हम इधर डुप्लीकेट्स रिमूव डुप्लीकेट्स लगा देंगे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, सो मैक्सिमम इसकी आ जाएंगी एन लॉग एन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करेंगे। एक बार फिर से बताते, तो दोनों एरे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो एरे है, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि यूनियन ऑफ टू एरेज निकलना है। यूनियन मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट रहने को ना, पर डिस्टिंक रहने को ना, रिपीटेशन नहीं होना, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ एरे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरे वन को हम सॉर्ट कर देंगे एन लॉग एन, सेकेंड एरे को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एर वन सॉर्टेड आ गया, एर टू सॉर्टेड आ गया, फिर क्या करेंगे हम एक नया एर थ्री बना देंगे जिसमें मर्ज सॉर्ट मर्ज कर देंगे दोनों एरे को, ठीक है। एक तीसरा एरे बन गया जो कि मर्ज ऑफ दोनों है, ये पूरा सॉर्टेड एरे है। तो सॉर्टेड एरे पे हम डुप्लीकेट्स कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा। तो डुप्लीकेट्स रिमूव, हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देंगे इसके, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। सो समझ गया होगा आपको क्या हमने।
मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देंगे, एन लॉग एन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसा कर रहे हैं। सो अभी हम थर्ड अप्रोच देखेंगे, ओके। थर्ड अप्रोच जो कि हैशिंग से है, जो कि सबसे ईजी है, ठीक है, सबसे ईजी है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यूनियन ऑफ टू एरेज। यूनियन ऑफ टू एरेज मीन्स हमें पूरे ऑल एलिमेंट्स चाहिए, ऑल एलिमेंट्स जो कि डिस्टिंक्ट हो। तो सिंपल सी बात है, हम सेट ले लेंगे, ये पूरे एलिमेंट डाल देंगे सेट में, ये पूरे एलिमेंट सेट में डाल देंगे। और सेट क्या करता है, ऑल एलिमेंट तो अपने पास रखेंगे ही वो, और सिर्फ डिस्टिंक एलिमेंट ही अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो तुम्हें तो वही चाहिए ना, इसे प्रिंट करा दो, आ गया तुम्हारा आंसर, यूनियन ऑफ टू एरेज। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने बोला क्या अभी, ठीक है। सेट बना देंगे, सेट क्या करता है, हमारे पास सिर्फ डिस्टिंक एलिमेंट, अपने पास सिर्फ डिस्टिंक एलिमेंट ही स्टोर करता है। तो फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इतने एलिमेंट के पास, ठीक है। और हर एक एलिमेंट सेट में ऐड कर देंगे, सेट में ऐड कर देंगे। तो इधर एक फॉर लूप लगा देंगे, हर एक एलिमेंट सेट में ऐड कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हैशिंग से सबसे ईजी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी सबसे कम आती है। तो हैशिंग के प्रॉब्लम को भी पहचानने का तरीका है। यार तुमको लग रहा होगा हैश सेट यूज़ कर सकते तो यूज़ करो, हैश मैप यूज़ कर सकते तो यूज़ करो। तुमको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएंगे कि ये हैशिंग से होगा कि नहीं होगा। तुमको वो ऐसा डिस्टिंक एलिमेंट वगैरह ऐसा कुछ होना को ना है, की वैल्यू में दिख रहा होगा तो हैश मैप यूज़ कर सकते हो, या डिस्टिंक एलिमेंट में जिसका कुछ काउंट निकलना है, कुछ करना है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तुमको ऐसा लग रहा है तो सेट यूज़ हो सकता है, तो तुम करो। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने तीन सोल्यूशन बता दिए, सबसे बेस्ट अप्रोच भी बता दिया है। लेकिन आपको इंटरव्यू में मोस्टली सबसे पहले तो अपना जो ब्रूट फोर्स जो ऑफ एन स्क्वेयर वाला है वो वाला बताना चाहिए, फिर सॉर्टिंग, फिर देन हैशिंग वाला अप्रोच, वो कॉम्पिटेटिव के लिए तो है ही हैशिंग। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मर्ज ऑफ टू एरेज देखेंगे।